संयुक्त परिवारों की अहमियत को दर्शाने वाले उपन्यास आंसुओं के बिना जिंदगी को पाठकों के साथ साथ देश के तमाम बड़े बड़े ओहदों पर बैठे लोगों की भी खूब प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। असल में हमने अपनी पिछली रिपोर्ट में आपको बताया था कि लेखक संतोष प्रसाद द्वारा लिखे गए उपन्यास आंसुओं के बिना जिंदगी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए बहुत से अखबारों ने इस नॉवल के कॉन्सेप्ट की खूब जमकर सराहना की थी। यही नहीं बल्कि कुछ अखबारों ने तो यहाँ तक लिखा था कि अगर इस नॉवल की सीख को जिंदगी में अपनाया जाए तो बहुत से घर टूटने से बच सकते हैं। वैसे इस कड़ी में कई राज्यों के राज्यपालों ने भी पुस्तक की तारीफ करते हुए लिखा है कि ये नॉवल वाकई समाज को बहुत ही अच्छी सीख देता है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री केसरीनाथ त्रिपाठी जी ने नॉवल की तारीफ में लिखा है कि यह उपन्यास जहां एकल पारिवारिक व्यवस्था की खामियों को उजागर करता है तो वहीं संयुक्त परिवार की भारतीय प्राचीन परंपरा की महत्ता को भी बल प्रदान करता है। इसके अलावा सिक्किम के राज्यपाल श्री निवास पाटिल ने भी उपन्यास की तारीफों के पुल बांधते हुए लिखा है कि यह नॉवल भारतीय परंपरा की खासियत को दर्शाता है क्योंकि भारत में हमेशा से संयुक्त परिवार को प्राथमिकता दी गई है। साथ ही उन्होंने इस नॉवल को लिखने वाले लेखक संतोष प्रसाद को बधाई देते हुए कहा है कि आपकी सोच की वो सराहना करते हैं और आपके अच्छे भविष्य की भी कामना करते हैं। ठीक इसी तर्ज पर पंजाब के गवर्नर वीपी सिंह बदनोरे ने भी नॉवल की खूब प्रशंसा करते हुए लेखक को इस तरह का कॉन्सेप्ट समाज के सामने रखने के लिए बधाई दी है। खैर जिस तरह से यह नॉवल पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है उससे तो यही जाहिर होता है कि आने वाले दिनों में इस उपन्यास के जरिए एक सकारात्मक संदेश जाता हुआ नजर आ रहा है और उम्मीद करते हैं कि इस नॉवल के जरिए संयुक्त परिवारों की अहमियत को समझा जा सकता है। फिलहाल संयुक्त परिवार की सार्थकता को दर्शाने वाली यह किताब अमेजन इन और gullibaba.com से ऑनलाइन खरीदी जा सकती है। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।